हेलो लर्नर्स वेलकम टू चैनल इस वीडियो में हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव के यूनिट थ्री और यूनिट फोर से क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं करेंसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट मेच्योर इन आपको बताता है अभी हम ये यूनिट थ्री से क्वेश्चन डिस्कस करें तो ए करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट मेच्योर इन सितंबर जून दिसंबर या जनवरी कौन से मंथ में जो है करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर नहीं हो सकता है तो ऑप्शन है जनवरी जनवरी में करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर नहीं हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश मार्जिन इज द अमाउंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स मस्ट डिपोजिट इन टू देर अकाउंट एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इन टू ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो आपको बताना कि कौन सा एक मार्जिन अमाउंट होता है जो कि पार्टिसिपेंट को डिपोजिट जब करता है तो उसको अपने अकाउंट में मेंटेन रखना चाहिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के केस में मेंटेनेंस इनिशियल परफॉर्मेंस बॉन्ड या फिर मिनिमम तो ऑप्शन है द परफॉर्मेंस बॉन्ड मार्जिन इज द अमाउंट मार्केट पार्टिसिपेंट मस्ट डिपोजिट इन देयर अकाउंट एट द टाइम ऑफ एंट्री टू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट है द होल्डर ऑफ ए कॉल ऑप्शन विल बेनिफिट इफ द अंडरलाइन करेंसीज प्राइस द होल्डर ऑफ ए कॉल ऑप्शन जो कॉल ऑप्शन का होल्डर होता है वो उसको बेनिफिट कब होगा फॉल जब अंडरलाइन करेंसी प्राइस जो है वो फॉल होगी स्टेबलाइज रहेगी राइजेज राइज rise होगी या रिमेन द सेम सेम रहेगी तब तो ऑप्शन है राइजेज द होल्डर ऑफ ए कॉल ऑप्शन विल बेनिफिट इफ द अंडरलाइन करेंसी प्राइस राइजेज तो जब अंडरलाइन करेंसी प्राइस राइज होगी तो होल्डर ऑफ कॉल ऑप्शन जो है उसको बेनिफिट होगा ये आप तो याद रखिएगा ए पुट ऑप्शन विथ ए स्ट्राइक प्राइस लेस देन द करेंट स्पॉट प्राइस इज सेट टू बी तो पुट ऑप्शन विथ स्ट्राइक प्राइस लेस देन द करेंट स्पॉट प्राइस यानी समझ रहे आप पुट ऑप्शन विथ स्ट्राइक प्राइस लेस देन करेंट स्पॉट प्राइस तो उसको क्या कहेंगे आप प्रॉफिटेबल इन द मनी आउट ऑफ द मनी या फिर एट द मनी तो ऑप्शन है आउट ऑफ द मनी ए पुट ऑप्शन विथ ए स्ट्राइक प्राइस लेस देन द करंट स्पॉट प्राइस इज सेट टू बी आउट ऑफ द मनी नेक्स्ट है ए पुट ऑप्शन विथ स्ट्राइक प्राइस हायर देन द करेंट स्पॉट प्राइस से टू बी देखिए वहां पे क्या था लोअर अब पे ए पुट ऑप्शन विथ स्ट्राइक प्राइस हायर देन करंट स्पॉट प्राइस इज से टू बी प्रॉफिटेबल इन द मनी आउट ऑफ द मनी या फिर एट द मनी तो ऑप्शन इज इन द मनी इन द मनी ऑप्शन होगा ए कॉल ऑप्शन विथ स्ट्राइक प्राइस लेस देन द करेंट स्पॉट प्राइस अब यहाँ पे देखिए कॉल ऑप्शन है स्ट्राइक प्राइस के साथ है और लेस देन द करंट स्पॉट प्राइस है करंट स्पॉट से लेस है तो उस केस में क्या होगा प्रॉफिटेबल इन द मनी आउट ऑफ द मनी या फिर एट द मनी तो ऑप्शन है इन द मनी होगा ठीक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको याद कर लीजिएगा पीछे आगे भी इसी तरीके से कॉल ऑप्शन पे बिथ स्ट्राइक प्राइस मोर देन पूछा जा सकता है तो वो क्या हो जाएगा आउट ऑफ द मनी हो जाएगा नेक्स्ट है करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज तो करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस पर्पज़ के लिए चाहिए होते हैं हेजिंग के लिए ऑप्शन बी स्पेकुलेशन के लिए ऑप्शन सी आर्बिट्रेज के लिए फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वेब के लिए तो करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हैजिंग स्पेकुलेशन आर्बिट्रेज तीनों के लिए ही चाहिए होते हैं नेक्स्ट है करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर ऑन द जो करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर होता है वो कौन से मंथ कौन से दिन जो है मेच्योर होता है किसी भी महीने के तो करेंसी फ्यूचर फर्स्ट फ्राइडे को ऑप्शन बी है फर्स्ट मंडे को ऑप्शन सी है थर्ड फ्राइडे को या फिर ऑप्शन डी है थर्ड वेडनेसडे को तो ऑप्शन है थर्ड वेडनेसडे करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर ऑन द थर्ड वेडनेसडे इन द डेजिग्नेटेड मंथ किसी भी महीने के थर्ड वेडनेसडे को होता है द होल्डर ऑफ ए पुट ऑप्शन विल बेनिफिट इफ द अंडरलाइन करेंसी प्राइस ये दोबारा से आ गया तो ऑप्शन है फॉल्स द होल्डर ऑफ ए पुट ऑप्शन यहाँ पे क्या द होल्डर ऑफ ए पुट ऑप्शन पुट ऑप्शन का जो होल्डर होगा उसको कब बेनिफिट होगा जब अंडरलाइन करेंसी प्राइस क्या होगा वो फॉल होगा गिरेगा अब इससे पहले जो देखा तो वहां पे क्या था राइज होता है वो दूसरा केस था नेक्स्ट है द द डैश मार्जिन इज ए सेट मिनिमम मार्जिन कस्टमर मस्ट ऑलवेज मेंटेन इन देयर ऑन अकाउंट यानी कि जो कस्टमर है उसको अपने अकाउंट में मिनिमम मार्जिन जो है वो मेंटेन करके रखना होता है उसको क्या कहते हैं मेंटेनेंस मार्जिन इनिशियल मार्जिन परफॉर्मेंस बॉन्ड मार्जिन मिनिमम मार्जिन या फिर नन ऑफ द वेब यहाँ पे पांच ऑप्शन दिए हैं उससे कोई मतलब नहीं एक ऑप्शन नहीं रहेगा वहां पे जब आपको एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है कि जो मिनिमम मार्जिन कस्टमर के अकाउंट में मेंटेन होना चाहिए वो क्या कहलाता तो है तो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है मेंटेनेंस मार्जिन द मेंटेनेंस मार्जिन इज ए सेट मिनिमम मार्जिन कस्टमर्स मस्ट ऑलवेज मेंटेन इन देयर अकाउंट नेक्स्ट है करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैव डैश डेज इन एयर डेजिग्नेटेड एज मेच्योरिटी डेट तो करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में कितने डेज को हम डेजिग्नेटेड ए मेच्योरिटी डेट्स कहते हैं तो ऑप्शन है फोर करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है फोर डेज इन एयर डेजिग्नेटेड एज मेच्योरिटी डेट्स Next question and Dash is a financial contract that gives an investor the right but not the obligation. Right but not the obligation to either buy or sell an asset at a predetermined price known as a strike price by a specific date known as the expiration date. So, उसको क्या कहते हैं एन फिनेशियल कॉन्ट्रेक्ट की ये क्या है एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है नीचे देख ऑप्शन में से कौन सा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इन्वेस्टर को राइट right देता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता है टू बाई और सेल एन एसेट एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस जिसको हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं देखिए यहाँ पे भी एक एमसी बन सकता है स्ट्राइक प्राइस क्या होता है प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है वहीं पर एक् एक्सपायरी रिश्शन डेट्स देश्च क्या होता है स्पेसिफिक डेज जिस दिन उसको सेल या बाई करना है तो आपको बताने कि वो कौन सा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सेकंड या फिर ऑप्शन डी डेवेटिव तो करेट ऑप्शन है Option A option. An option is a financial contract that gives an investor the right but not the obligation to either buy or sell an asset at predetermined price, known as a strike price, by a specific date known as the expiration date. नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑप्शंस आर तो ऑप्शंस के कितने टाइप होते हैं ऑप्शन है कॉल ऑप्शन ऑप्शन बी पुट ऑप्शन ऑप्शन सी होल्ड ऑप्शन या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी यानी कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों टाइप होते हैं ऑप्शन के तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ही दो टाइप के होते हैं ऑप्शन नेक्स्ट ए बायर ऑफ ए डैश हैज द राइट टू बाई द अंडरलाइंग असेट फॉर अ सर्टेन प्राइस

पुट ऑप्शन ए बायर ऑफ ए पुट ऑप्शन किसी ने पुट ऑप्शन खरीदा है तो उसके पास ये राइट right होता है कि वो अंडरलाइंग असेट को सर्टेन प्राइस पे सेल कर सके नेक्स्ट है डैश इन द दी साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट इन ऑर्डर टू प्रॉफिट फ्रॉम स्मॉल डिफरेंस इन प्राइस तो आपको बताना है कि किस में होता है ये आर्बिट्रेज में स्पेकुलेशन में हेजिंग में फिर किसी में नहीं तो ऑप्शन है आर्बिट्रेज में आर्बिट्रेज इन द साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग साइमल्टेनियस एक ही साथ यहाँ से बाई किया वहाँ पर जाके सेल कर दिया ऑफ एन एसेट इन ऑर्डर टू प्रॉफिट फ्रॉम स्मॉल डिफरेंस इन प्राइस यानी कि छोटा सा डिफरेंस मिला प्राइस में तो हम इसको यहाँ पर खरीदेंगे तो तुरंत तो उसको बेच भी देंगे तो उसमें आर्बिट्रेज में होता है ये स्पेकुलेटर्स अटेम्प्ट्स टू प्रॉफिट फ्रॉम राइजिंग प्राइस फॉलिंग प्राइस इक्वल प्राइस यानी कि स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट कहाँ से कमाना चाहते हैं प्राइस बढ़ रहा है उससे प्राइस गिर रहा है उससे या फिर प्राइस इक्वल है तो भी तो बोथ ए एंड बी तो राइजिंग और फॉलिंग प्राइस से वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं नेक्स्ट है इक्वल प्राइस होगा तो कोई प्रॉफिट होगा यानी तो ऑबियस की बात है तो राइजिंग एंड फाइलिंग फॉलिंग नेक्स्ट है एंड डैश कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस इज बिलो द एक्चुअल स्टॉक प्राइस तो आपको बताना कि किसमें जो है कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस जो है वो एक्चुअल स्टॉक प्राइस से बिलो होता है इन द मनी में एट द मनी या आउट ऑफ द मनी ऑफ इंडन तो एन इन द मनी कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस इज बिलो द एक्चुअल स्टॉक प्राइस नेक्स्ट है फॉर बोथ पुट एंड कॉल ऑप्शन स्ट्राइक एंड द एक्चुअल स्टॉक प्राइस आर द सेम पुट और कॉल ऑप्शन में स्ट्राइक और एक्चुअल स्टॉक प्राइस जो है सेम होते हैं किसमें इन द मनी एट द मनी आउट ऑफ द मनी या फिर नन में तो ऑप्शन है एट द मनी में एट द मनी में पुट और कॉल ऑप्शन में स्ट्राइक और एक्चुअल स्टॉक प्राइस का सेम होता है नेक्स्ट है एन डैश पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस इज बिलो द एक्चुअल स्टॉक प्राइस अब यहां देखिए पुट ऑप्शन आ गया तो पुट स्ट्राइक पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस जो है वो एक्चुअल स्टॉक प्राइस से बिलो होता है किमें इन द मनी एट द मनी आउट ऑफ द मनी तो ऑप्शन है आउट ऑफ द मनी में तो एन आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस इज बिलो द एक्चुअल स्टॉक प्राइस नेक्स्ट है द प्रीमियम इज द प्राइस ए बायर पेज द सेलर फॉर एन तो प्रीमियम एक प्राइस होता है प्रीमियम जो बायर पे करता है सेलर को किसके लिए पुट के लिए ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी के लिए फिर ऑप्शन डी नन के लिए तो ऑप्शन है ऑप्शन के केस में द प्रीमियम इज द प्राइस ए बायर पेज द सेलर फॉर एन ऑप्शन तो ऑप्शन के लिए प्रीमियम जो है एक प्राइस होता है जो कि बायर पे करता है सेलर को किसके सेलर को ऑप्शन वाले को नेक्स्ट है इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू प्लस वोलेटिलिटी वैल्यू वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी वैल्यू ये क्या कहलाता है इंटरेंसिक प्लस टाइम प्लस वो वोलेटली तो इसको क्या कहते हैं प्राइस ऑप्शन प्राइस ऑफ कॉल या फिर प्राइस ऑफ होल्ड तो इसका आंसर है प्राइस ऑफ ऑप्शन तो प्राइस ऑफ ऑप्शन का निकालना है आपको फॉमूला तो इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस उसका टाइम वैल्यू प्लस वॉलेटिली वैल्यू प्लस तो जो आपका आ जाएगा वो क्या जाएगा प्राइस ऑफ ऑप्शन नेक्स्ट है डेरीवेटिवस आर डिस्टिंग्विश्ड बाई द वे दे आर ट्रेड इन द मार्केट इन टू आपको बताना है कि किसमें डेरीवेटिव आर डिस्टिंग्विस्ट बाय द वे दे आर ट्रेडेड इन टू द इन द मार्केट इन टू यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है लास्ट में इन टू होगा वो तो डेरीवेटिव जो होते हैं वो डिस्टिंग्विस्ट होते हैं किसके बेसिस पे ओटीसी ओवर द काउंटर में एक्सचेंज ट्रेड डेरीवेटिव कॉन्टैक्ट ई टी डी में ओ टी सी ओवर द सेंटर में या फिर बहुत डी एंड बहुत हैंड ए एंड बी में यानी कि ओ टी सी और ईटीडी में तो डेरीवेटिव हम कैसे डिस्टिंग कर सकते हैं तो ऑप्शन है बोथ ए एंड बी यानी हम डेरीवेटिव को दो तरीके से डिवाइड uh, कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ देर ट्रेडेड यानी कि कैसे ट्रेड होगा डेरीवेटिव इसके बेसिस पर हम डेरीवेटिव को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं ओ टी सी यानी कि ओवर द काउंट और एक्सचेंज ट्रेड डेरीवेटिव कॉन्ट्रेट यानी ई टी डी में याद रखिएगा डेरीवेटिव को हम ट्रेडेड के बेसिस पर दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं ओ टी सी और ई टी डी नेक्स्ट डैश आर आर ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज विदाउट गोइंग थ्रू एनी एन एक्सचेंज और अदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है चाहे स्वाइप फॉवर्ड रेड एग्रीमेंट एंड एक्सोटिक ऑप्शन और आलमोस्ट ट्रेडेड इन दिस वे तो आपको पता ना कि किस में जो है वो कौन सा ऑप्शन है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि डायरेक्टली जो है पार्टीज ट्रेड करती हैं जैसे कि स्वैप हो गया फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हो गया एग्जॉटिव ऑप्शंस हो गए इनके थ्रू बिना किसी एक्सचेंज पे गए हुए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ओ टी सी ओवर द काउंटर में क्या होता है कि दो पार्टीज डायरेक्टली जो है ट्रेड करती हैं बिना किसी एक्सचेंज पे गए हुए नेक्स्ट है डैश इज कॉस्ट अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन जाता है दूसरा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि वो ट्रेडिंग जहां पे एक्सचेंज में जाके हम जो है ट्रेड करते हैं किसी एक्सचेंज में डेरिवेटिव एक्सचेंज में जाके ट्रेड करते हैं तो वो क्या क्या कहलाएगा तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरीवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कलेगा ईटीडी तो यहां से दो एम सी क्यू बन सकते हैं नेक्स्ट है डैश इज कॉस्ट टू बी इनकट बाय द इन्वेस्टर फॉर होल्डिंग सर्टेन पोजिशन इन द अंडरलाइन मार्केट टिल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर तो कौन सा कॉस्ट होता है वो तो ऑप्शन है ए कॉस्ट ऑफ कैरी या फिर सीओसी सीओसी या फिर कॉस्ट ऑफ कैरी कहते हैं उसको तो कॉस्ट ऑफ कैरी क्या है कॉस्ट ऑफ कैरी इज द कॉस्ट टू बी इनकर्ड द इन्वेस्टर फॉर होल्डिंग सर्टेन पोजीशन इन द अंडरलाइट मार्केट टिल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर था जब तक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो उसमें जो भी पोजिशन होल्ड करना होता है इन्वेस्टर को उसके लिए जो कॉस्ट आती है उसको क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी नेक्स्ट सीओसी इज द डिफरेंस बिटवीन तो सीओसी क्या है वो डिफरेंस बिटवीन है किसके बीच में द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड प्राइस ऑफ स्टॉक और इंडेक्स द फ्यूचर एंड स्पॉट प्राइस ऑफ स्टॉक और इंडेक्स द प्रेजेंट एंड पास्ट प्राइस ऑफ स्टॉक और इंडेक्स या फिर नन तो करेक्ट ऑप्शन इज द फ्यूचर एंड स्पॉट प्राइस ऑफ ए स्टॉक और इंडेक्स इसको क्या कहते हैं सी ओ सी इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड स्पॉट प्राइस ऑफ ए स्टॉक और इंडेक्स अब हम क्वेश्चन यूनिट फोर से कुछ फाइनेंशियल डेरिवेटिव के क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है ए इज ए डेरिवेटिव इन विच टू काउंटर पार्टीज एग्रीज टू एक्सचेंज वन स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो अगेंस्ट अनदर स्ट्रीम दीज स्ट्रीम्स आर कॉल्ड द लेग्स ऑफ द स्वैप तो उसको हम क्या कहते हैं डब्लू ए पी एस डब्ल्यू ए पी टी डब्ल्यू ए पी या फिर ऑल तभी देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पड़ेगा ए इज ए डेरिवेटिव इन विच टू काउंटर पार्टीज दो काउंटर पार्टीज एग्री टू एक्सचेंज वन स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो अगेंस्ट अनदर स्ट्रीम यानी कि एक कैश फ्लो की स्ट्रीम को दूसरे कैश फ्लो की स्ट्रीम से एक्सचेंज करना चाहते हैं तो दीज स्ट्रीम्स ऑफ आरकार लेग ऑफ द स्वैप इसको हम लेग ऑफ स्वैप भी कहते हैं तो वो क्या है ऑप्शन ऑप्शन है स्वैप एस डब्ल्यू ए पी स्वैप ही क्या है एक डेरिवेटिव होता है जिसमें दो काउंटर पार्टीज एक स्ट्रीम ऑफ कैश को दूसरे स्ट्रीम ऑफ कैश से एक्सचेंज करते हैं और इसको हम लेग ऑफ स्वैप भी कहते हैं यहां पे एम ये भी बन सकता है कि लेग्स ऑफ द स्वैप किसको कहा जाता है तो स्वैप एस डब्लू को कहा जाता है नेक्स्ट है स्वैप आर मोस्ट यूजली यूज टू स्वैप आर मोस्टली यूज टू किसमें में यूज होते हैं स्विचिंग फाइनेंशियन फाइनेंसिंग इन वन कंट्री फॉर फाइनेंसिंग इन अनदर टू रिप्लेस ए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप इन द दिक्कस इंटरेस्ट रेट और वाइस वर्सा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी ए बी दोनों में यूज होता है या फिर ऑप्शन डी किसी में नहीं होता नन तो स्वैप जो है वो मोस्टली सभी में यूज होते हैं स्विचिंग स्विच फाइनेंसिंग न कंट्री फॉर फाइनेंसिंग इन अनदर टू रिप्लेस ए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप विथ ए फिक्स इंटरेस्ट रेट दोनों में ही यूज होता है स्वैप नेक्स्ट एग्रीमेंट्स बिटवीन काउंटर पार्टीज टू एक्सचेंज इंटरेस्ट इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज तो बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस जो कि एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन काउंटर पार्टीज टू एक्सचेंज इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज तो जिसमें कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट जो है वो डिफरेंट कंट्री में एक्सचेंज किया जाता है तो वो कौन सा एग्रीमेंट है करेंसी स्वैप क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कॉमोडिटी स्वैप या फिर इक्विटी स्वैप करेक्ट ऑप्शन इज करेंसी स्वैप नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट स्वैप ऑल्सो नॉन एच तो जो इंटरेस्ट स्वैप होता है हम उसको किस नाम से जानते हैं ऑप्शन ए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कॉमोडिटी स्वैप ऑप्शन

जो स्क्वेंस ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट होता है उसको एक्सचेंज करते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कमोडिटी स्वैप इक्विटी स्वैप या फिर इंटरेस्ट रेट स्वैप तो ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट स्वैप यहां पे देखिए स्क्वेंस ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट विदाउट एक्सचेंज तो इंटरेस्ट स्वैप इंटरेस्ट रेट स्वैप होगा नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट वेयर बाई ए फ्लोटिंग और मार्केट और स्पॉट प्राइस इज एक्सचेंज ऑफ फॉर अ फिक्सड प्राइस ओवर ए स्पेसिफिक स्पेसिफाइड पीरियड तो एग्रीमेंट जहाँ पे फ्लोटिंग प्राइस जो है वो एक्सचेंज किया जाता है फिक्स्ड प्राइस से एक स्पेसिफाइड पीरियड में उसको क्या कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कमोडिटी इक्विटी या फिर इंटरेस्ट रेट ऑप्शन है कमोडिटी स्वैप इसको क्या कहते हैं कमोडिटी स्वैप कहते हैं ए स्वैप वेयर एक्सचेंज कैश फ्लो आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग कमोडिटी उसको क्या कहेंगे एक ऐसा स्वैप जहाँ पे जो एक्सचेंज कैश फ्लो होता है वो अंडरलाइंग कमोडिटी पे डिपेंड करता है उसको हम क्या कहते हैं कमोडिटी स्वैप कहते हैं कमोडिटी नेक्स्ट है ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर स्वैपिंग द रिस्क ऑफ डेप्ट डिफॉल्ट आपको बताने कि कौन सा नीचे दिए दिएगा ऑप्शन है जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हेल्प करता है स्वैपिंग द रिस्क ऑफ डेप्ट डिफॉल्ट ऑप्शन है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप नाम से बात है डेप्ट डिफॉल्ट तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कहते हैं उसको क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में भी यूज फॉर तो क्रेडिट डिफॉल्ट जो है वो स्वैप क्रेडिट डिफॉर्ट स्वैप किसके लिए यूज होता है एमर्जिंग मार्केट बॉन्ड के लिए मॉर्टगेज बैंक सिक्योरिटीज के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड में या फिर ऑल में ऊपर के तीनों ऑप्शन में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो यूज होता है तो ऑप्शन है डी ऑल क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स में भी यूज फॉर इमेजिंग मार्केट बॉन्ड मॉड्रेज बैग बैग सिक्योरिटीज कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड में नेक्स्ट है द फर्स्ट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप वॉज इंट्रोड्यूसड इन 1995 नाइन फाइव बाई तो आपको बताने फर्स्ट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो, जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1995 में किसके द्वारा यूज हुआ था बीपी मॉर्गन द्वारा एपी मॉर्गन द्वारा एसपी मॉर्गन द्वारा फिर जेपी मॉर्गन द्वारा तो करेक्ट ऑप्शन है जेपी मॉर्गन तो याद रखिए यहां पे दो ऑप्शन बन सकते हैं दो एमसीक्यू बन सकते हैं फर्स्ट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप वॉज इंट्रोड्यूस इन 1995 एक तो ये हो गया दूसरा किसके द्वारा होता है जेपी मॉर्गन द्वारा द नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एन आई आई और नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एन आई एम ऑफ बैंक इज डिपेंडेंट ऑन द मूवमेंट्स ऑफ अभी देखिए दो फुल फॉर्म यहाँ से पूछ सकते हैं एन आई आई का क्या होता है एन आई एम का तो एन आई आई नेट इंटरेस्ट इनकम और एन आई एम नेट इंटरेस्ट मार्जिन अब यहाँ पे बताना है कि जो ये बैंक होते हैं वो किसके मूवमेंट पे डिपेंड करते हैं करेंसी के अकाउंट्स के लोन्स के या फिर इंटरेस्ट के तो ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट्स के मूवमेंट पे ये एन और एन ऑफ बैंक जो है वो डिपेंड करते हैं नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट स्वैप आर नॉट ट्रेडेड ऑन पब्लिक एक्सचेंज ऑनली आपको बताना कि जो इंटरेस्ट रेट स्वैप होते हैं वो आर नॉट ट्रेडेड ऑन पब्लिक एक्सचेंज वो कहाँ पे एक्सचेंज होते हैं वो बताना ओनली ओवर द काउंटर ऑनली ओवर द काउंटर पर ही इंटरेस्ट रेट स्वैप जो है वो एक्सचेंज होते हैं इन एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप एक इंटरेस्ट रेट स्वैप में द ऑनली थिंग्स दट एक्चुअली गेट स्वैप्ड आर दूटरेस्ट रेट स्वैप में जो कौन सा एक्चुअली जो है वो स्वैप होता है आपको बताना इंटरेस्ट ऑफ ऑनर इंटरेस्ट ऑफ यूजर इंटरेस्ट पेमेंट या फिर नन तो ऑप्शन है इंटरेस्ट पेमेंट एक्चुअली में इंटरेस्ट रेट स्वैप में जो इंटरेस्ट पेमेंट होता, होता है वही स्वैप्ड होता है नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज एट एन एग्रीड फ्यूचर डेट प्रिंसिपल अमाउंट इन टू डिफरेंट करेंसीज एट ए कन्वर्जन रेट एग्रीड एट द आउटसाइट इसको क्या कहेंगे कॉमा में दिया है तो ये स्टेटमेंट है आपको पता नहीं कि किस चीज से रिलेटेड स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज एट एन एग्रीड फ्यूचर डेट प्रिंसिपल अमाउंट इन टू डिफरेंट करेंसीज एट ए कन्वर्जन रेट एग्रीड एट द आउटसट ऑप्शन है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कोमोडिटी स्वैप इक्विटी स्वैप एवर करेंसी स्वैप तो ऑप्शन डी करेंसी स्वैप कहते हैं इसको हम नेक्स्ट एंड डैश इज ए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन एन अंडरलाइंग फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट पे इंटरेस्ट इट इज यूज टू हेज अगेंस्ट एडवर्स चेंज इन इंटरेस्ट रेट आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा एन इज ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो नीचे दिए ऑप्शन में से क्या है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बेस्ड ऑन अंडरलाइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट पे इंटरेस्ट जो कि पे इंटरेस्ट देता है और उसको यूज करते हैं हेज अगेंस्ट एडवर्स चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स में तो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखिए ऊपर ही लिखा है एंड देश इज ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो ऑप्शन में आप देखिए तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ही ऑप्शन है जिसमें फ्यूचर है तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ नेक्स्ट है द पार्टीज लॉक इन एन इंटरेस्ट रेट फॉर ए स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम स्टार्टिंग ऑन फ्यूचर सेटलमेंट डेट द पार्टीज लॉक इन एन इंटरेस्ट रेट फॉर ए स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम स्टार्टिंग ऑन फ्यूचर सेटलमेंट डेट बेस्ड ऑन ए स्पेसिफाइड नेशनल प्रिंसिपल अमाउंट उसको क्या कहेंगे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट ऑप्शन रेट एग्रीमेंट या फिर बैकवर्ड रेट एग्रीमेंट तो नाम है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कहेंगे नेक्स्ट है एक करेंसी स्वैप बैंक इज यूजली जो करेंसी स्वैप बैंक होता है वो यूजली क्या होता है ए एंड यूजर ए करेंसी स्पेकुलेटर ए एंड बी यानी कि एंड यूजर करेंसी स्पेकुलेटर दोनों होता है या फिर ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी तो करेंसी स्वैप बैंक क्या है एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है नेक्स्ट है द फर्स्ट करेंसी स्वैप बिटवीन द वर्ल्ड बैंक एंड आई एम आई बी एम वॉज अरेंज इन नाइनटीन एटी वन बाई तो आपको बताने के जो फर्स्ट करेंसी स्वैप बिटवीन वर्ल्ड बैंक और आई के बीच में हुआ था नाइनटीन में हुआ था किसके द्वारा किया गया था तो देखिए पहला तो एक एमसीक्यू यहीं से बन गया कि कब हुआ था नाइनटीन में दूसरा एमसी क्या बन गया कि जो पहला करेंसी स्वैप हुआ तो किसके बीच हुआ था वर्ल्ड बैंक और आईबीएम ये दूसरा एमसीक्यू बन गया तीसरा किसने किया था तो सिटी कॉप ने बैंक अमेरिका ने मैरी लंच ने या फिर सोलोमन ब्रदर्स ने तो ऑप्शन है सोलोमन ब्रदर्स ने तो सोलोमन ब्रदर्स ने वर्ल्ड बैंक और आईबीएम के बीच में पहला करेंसी स्वैप किया था 1981 में तो याद रखिएगा next is financial swap market हैव इमर्ज इन रिसेंटें ईयर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजर तो फाइनेंशियल स्वेप मार्केट जो है रिसेंट ईयर में इमर्ज हुए हैं ज्यादा क्यों एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट वाइडली एक्सचेंज रेट जो है वाइडली फ्लक्चुएट करते हैं इसलिए फॉरवर्ड मार्केट में नॉट फंक्शन प्रॉपरली जो फॉरवर्ड मार्केट होता है फंक्शली प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते हैं इसलिए करेंसी फ्यूचर आर अवेलेबल ओनली फॉर सिलेक्टेड करेंसीज जो करेंसी फ्यूचर होते हैं वो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज के लिए अवेलेबल होते हैं या फिर ऑल ऑफ द बब ऊपर के तीनों रीजन की वजह से ही जो फाइनेंशियल स्वेप मार्केट है वो रिसेंटली इवाल्व हो रहा है तो ऑप्शन है ऑल ऑफ द बब ऊपर के तीनों ही रीजन सही है नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्वैप्स आर यूज बाय द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन तो फाइनेंशियल स्वैप जो है वो यूज बाय द फॉलोइंग और नीचे दिए गए ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूज किए जाते हैं आपको बताया कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं उसको मल्टीनेशनल कंपनीज यूज करती हैं फाइनेंशियल स्वैप कॉमर्शियल बैंक यूज करती है फाइनेंशियल स्वैप वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्वैप को यूज करती है या फिर ऑल ऑफ द ऊपर के तीनों ही फाइनेंशियल स्वैप को यूज करते हैं तो ऑप्शन है ऑल ऑफ द ऊपर के तीनों यानी एमएनसी एनसी कॉमर्शियल बैंक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ये सभी के सभी फाइनेंशियल स्वैप यूज करते हैं नेक्स्ट है द ऑरिजिन ऑफ द स्वैप मार्केट आर यूजली रिगार्डेड एज एन आउटग्रोथ ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसको कहेंगे आप पहले लोन्स को बैक टू बैक लोन्स को कॉमर्शियल पेपर को या फिर ऑप्शन डी ए एंड बी यानी कि पैला लोन और बैक टू बैक लोन्स को द ऑरिजिन ऑफ द स्वैप मार्केट आर यूजली रिगार्डेड एज एन आउटग्रोथ ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो करेक्ट ऑप्शन तो है ए एंड बी यानी कि पैलर लोन्स और बैक टू बैक लोन्स नेक्स्ट है टिपिकली पहले लोन्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग पार्टीज तो टिपिकली जो पहले लोन्स होते हैं कौन सी पार्टीज को इन्वॉल्व करते हैं बताना है टू मल्टीनेशनल फर्म्स फम्स थ्री मल्टी नेशनल या फिर टू सब्सिडी फर्म्स या फिर ऑप्शन डी ए एंड सी यानी कि टू मल्टीनेशनल फर्म्स एंड टू सब्सिडरी फर्म्स तो करेक्ट ऑप्शन है ए एंड सी टू मल्टीनेशनल फर्म्स फम्स टू सब्सिडरी फम्ड्स ये टिपिकली पहले लोन्स जो है इन्वॉल्व करते हैं ए बैक टू बैक लोन यूजली इन्वॉल्व कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज तो आपको बताना है कि कितनी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं बैक टू बैक लोन में Two, two, टू टू यानी कि पहला डैश टू दूसरा डैश टू या फिर फोर फोर या फिर थ्री थ्री या फिर डी ए एंड बी यानी तो कि टू टू और थ्री थ्री तो ऑप्शन है टू टू ए बैक टू बैक लोन यूजली इन्वॉल्व टू कंपनीज इन टू डिफरेंट कंट्रीज याद टू कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं टू डिफरेंट कंट्रीज में होती हैं बैक टू बैक लोन में नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ आउट स्टैंडिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप इज देन दैट ऑफ आउट स्टैंडिंग करेंसी स्वैप तो जो अमाउंट ऑफ आउट आउट स्टैंडिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है वो

इज स्ट्रिक्टली एन एजेंट टू टेक ऑर्डर फ्रॉम हर क्लाइंट ऑप्शन सी ए करेंसी या फिर ऑप्शन डी ए एंड ए बी दोनों ऑप्शन से तो ऑप्शन है करेक्ट बी ए करेंसी स्वेप ब्रोकर इज ए स्वेप बैंक हु इज स्ट्रिक्टली एन एजेंट टू टेक ऑर्डर फ्रॉम न हर क्लाइंट तो एक करेंसी स्वेप बैंक जो होता है वो एक स्वेप बैंक होता है जो कि उसका काम सिर्फ एजेंट वाला होता है जो कि ऑर्डर लेता है अपने क्लाइंट से इंटरेस्ट रेट स्वैप इन्वॉल्व काउंटर पार्टीज हु वांट टू तो इंटरेस्ट रेट स्वैप जो होता है वो काउंटर पार्टीज इन्वॉल्व करता है हु वांट्स टू क्या जो कि क्या करना चाहते हैं एक्सचेंज ए फ्लोटिंग रेट रेट कमिटमेंट फॉर फॉर लोन एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज ए शॉर्ट टर्म लोन फॉर ए लॉन्ग टर्म लोन या फिर ऑप्शन डी ए एंड बी यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों ही सही है तो इंटरेस्ट रेट स्वैप में काउंटर पार्टीज जो इन्वॉल्व होते हैं वो किस लिए इन्वॉल्व होते हैं तो ऑप्शन है ए एक्सचेंज ए फ्लोटिंग रेट कमिटमेंट फॉर अ फिक्स्ड रेट लोन नेक्स्ट है कॉल स्वैप ऑप्शन कॉल ऑप्शन आर अट्रैक्टिव वैन इंटरेस्ट आर एक्सपेक्टेड टू तो आपको पता है कि जो कॉल ऑप्शन आर अट्रैक्टिव वैन इंटरेस्ट रेट आर एक्सपेक्टेड जो इंटरेस्ट रेड होगा वो क्या एक्सपेक्ट करें तो कॉल सप्शन जो है अट्रैक्टिव होगा ऑप्शन ए फॉल होगा राइज होगा स्टे द सेम जो है वही रहेगा या फिर ऑप्शन डी ए एंड बी फॉल या राइज दोनों के केस में तो ऑप्शन है राइज कॉल ऑप्शन आर अट्रैक्टिव वैन इंटरेस्ट आर एक्सपेक्टेड टू राइज नेक्स्ट है एन इंटरेस्ट रेट फ्लोर इन करेंसी स्वैप सेट्स एंड इंटरेस्ट रेट फ्लोर इन करेंसी स्वैप जो करेंसी स्वैप में होता है उसमें जो इंटरेस्ट रेट फ्लोर होता है वो क्या दिखाता है ए मैक्सिमम रेट ऑन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेमेंट मैक्सिमम रेट ऑफ ऑन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पेमेंट ऑप्शन सी ए मिनिमम रेट ऑन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेमेंट या फिर ऑप्शन डी ए मिनिमम रेट ऑन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पेमेंट तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ए मिनिमम रेट ऑन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेमेंट देखिए फ्लोर का मतलब होता है नीचे सीलिंग का मतलब ऊपर तो फ्लोर यानी कि मिनिमम होगा पहला तो दूसरा इंटरेस्ट रेट फ्लोर करेंसी स्वैप में तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेमेंट नेक्स्ट है मॉडगेज कंपनीज़ में यूज़ इंटरेस्ट रेट स्वैप मेनली बिकॉज तो जो मॉडगेज कंपनीज़ होती हैं वो इंटरेस्ट रेट स्वैप मेनली क्यों यूज़ कर सकती हैं दे हैव शॉर्ट टर्म लाइबिल्टीज एंड लॉन्ग टर्म असेट्स इसलिए दे हैव लॉन्ग टर्म डेप इसलिए दे हैव मॉडगेज लोन इसलिए फिर डी एंड बी यानी कि दे हैव शॉर्ट टर्म लाइबिलटी एंड लॉन्ग टर्म असेट्स एंड दे हैव लॉन्ग टर्म डेप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए दे हैव शॉर्ट टर्म लाइबिलटी एंड लॉन्ग टर्म असेट्स इसलिए मॉडगेज कंपनी क्या करती है इंटरेस्ट रेट स्वैप यूज़ करती हैं मेनली नेक्स्ट है द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व विद थ्री स्टेज प्रोसेस जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होता है वो तीन स्टेज प्रोसेस इन्वॉल्व करता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ दोज स्टेज तो आपको बताना ना कि कौन सा नीचे दीगम से ऑप्शन में से वो स्टेजेस हैं ऑप्शन ए है आइडेंटिफाई वेद द रिस्क लाई ऑप्शन बी ए सेलेक्ट द राइट टूल्स टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजी ऑप्शन सी है डिजाइन एंड एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग रिस्क या फिर ऑप्शन डी है, A, C, के के है, है. तो ए बी एंड सी यानी कि ऊपर के तीनों ही ऑप्शन स्टेजेस हैं तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व ए थ्री स्टेज प्रोसेस वो है करेक्ट ऑप्शन डी ए बी सी यानी कि आइडेंटिफाई वेदर रिस्क लाई सेलेक्ट द राइट टूल टू द स्ट्रेटजी एंड डिजाइन एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग रिस्क तो ए बी सी तीनों ही क्या है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्री स्टेज हैं तो फाइनेंशियल डेज से यूनिट थ्री और यूनिट फोर से कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस थे थ्योरी को और अच्छे से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं और हाँ नोमेरिकल्स जो है वो फॉमूले जो है आपसे नोमेरिकल के तौर पे भी यहाँ पे यू पूछे जा सकते हैं कि आपको एग्जाम्पल दे देंगे वहाँ पर वैल्यूज़ दे देंगे अमाउंट दे देंगे उसके बाद पूछेंगे कि ज़्यादा होने पर होगा कम होने पर होगा कॉल ऑप्शन में क्या होगा पुट ऑप्शन में क्या होगा तो वहाँ पर आपको वैल्यूज़ देकर भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि हमने वीडियो में इन्वॉल्व नहीं किए हैं टाइम की कमी की वजह से तो आप लोग उसको भी प्रैक्टिस करेंगे तो विश ऑल द बेस्ट कीप वाचिंग सब्सक्राइब द चैनल फॉर मो वीडियोस कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिएगा प्लीज थैंक यू